आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूं नीरज, बिहार शिक्षक बहाली संबंधित बड़ी खबरों के साथ। सीटेट दिसंबर 2019 केस अखबार में लेख के बाद हरकंप, साथ में सीटेट, बीटेट, एसटेट और डाइट पीटीसी केस, कई बड़े केस, सभी मुद्दों सभी बातों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज डाइट पीटीसी केस लिस्टेड है और सुनवाई में क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में आपसे एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा, सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से गिफ्ट वाउचर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले अनअकैडमी के बारे में जान लें। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है बड़ा सुनहरा मौका। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और इस कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से परेशान हैं, तो आइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा आपकी पढ़ाई को नया आयाम दिया जाएगा। 8 दिसंबर से MPTET के फास्ट ट्रैक बैच का आयोजन शुरू है, जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। और इसके साथ ही सीटेट 2021 की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जुड़े अपने क्लास से और अपनी तैयारी को जल्द से जल्द नए आयाम दे। T20 डेली टेस्ट फॉर्म टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़े जल्द से जल्द अपने क्लास से। 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। आसान किस्तों में पढ़ाई, 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 मात्र। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अखबार के लेख की। आज प्रातः जैसे ही अखबार में एक खबर अभ्यर्थियों ने देखी, अभ्यर्थियों में हड़कंप है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का फोन कॉल लगातार हमारे पास आ रहा है। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर अखबार की आज की खबर है, आप देख सकते हैं। अखबार में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर एक खबर छपी। खबर में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को विचलित करने वाले कुछ शब्द हैं, पर हम आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि घबराएं नहीं। इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि आप क्यों नहीं घबराएं। अखबार ने लिखा है, 9 दिसंबर तक फाइनल मेधा सूची जारी करने का निर्देश शिक्षा विभाग का है, कई जिलों में अब तक अधूरी है मेधा सूची। इधर दिसंबर 2019 तक सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस भी पटना हाई कोर्ट में, ऐसा लिखा है अखबार के हवाले से। और फैसला सुरक्षित होने की बात कही गई है, मतलब अखबार ने भी ये माना कि जब तक कोर्ट केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। अखबार ने शिक्षा विभाग के हवाले से यह भी लिखा है कि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर फाइनल मेधा सूची के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इससे पहले DM से भी इस मामले में बात होगी, ताकि शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली जल्दी पूरी कर सके। BDO और नियोजन इकाइयों से भी जुड़े अधिकारियों को DM विशेष निर्देश देंगे। कई जिलों से शिकायत भी मिल रही है कि NIC पोर्टल नहीं खुल रहा है, सेल के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। अब आपको उस कॉलम से रूबरू कराते हैं जिसके बाद लगातार फोन की घंटी बजने लगी। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, काउंसलिंग की तारीख फाइनल सूची के बाद, फाइनल मेधा सूची जारी होने के बाद ही काउंसलिंग की तिथि तय की जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करना है। हाई कोर्ट ने BEd उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी DLED अभ्यर्थियों की तरह कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने का मौका दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि किस पंक्ति से अभ्यर्थियों में हड़कंप है। आप देख रहे हैं कि लिखा है कि माना जा रहा है कि दिसंबर 2019 में सीटेट पास अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में ही शुरू हो चुकी थी। इस लाइन के बाद अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल हमारे पास आने लगा कि दैनिक भास्कर ने ये क्या छाप दिया। पर हम आपको बता दें कि आपका केस बहुत मजबूती के साथ पटना हाईकोर्ट में रखा गया, और आज इस वीडियो में हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि आपको कैसे मौका मिल सकता है। आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं, अखबार में कुछ भी लिखा जाता है और अखबार में कभी कभी त्रुटिपूर्ण खबर भी आपको देखने को मिलेगी। अखबार अपने स्वविवेक से, अखबार के पत्रकार किसी भी बात को विश्लेषित करते हैं, पर पटना हाई कोर्ट में जो केस रखा गया है बहुत मजबूती के साथ रखा गया। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी ये कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, और बहुत तरह के बयान बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आपको देखने को मिला। पर अंततः पटना हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे लगाया आपके केस से। पर इस खबर के बाद जो आप संशय में हैं, आज हम आपको उस संशय से बाहर निकालेंगे और सच से रूबरू कराएंगे। सच क्या है? सच ये है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार से हमारी पिछले दिनों बड़ी वार्ता हुई थी। वार्ता करीब घंटे भर चली थी और वार्ता के क्रम में हम माननीय
प्राथमिक शिक्षा निदेशक को समझाने में पूरी तरह कामयाब हुए थे कि हमारी मांग जायज है। जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक इस बात को समझ सकते हैं तो पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हमारी मुलाकात प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार से हुई थी और क्या कहा था उन्होंने, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पर पहले आपके स्क्रीन पर कॉज लिस्ट देख लीजिए। सीटेट दिसंबर जजमेंट के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी हलकान हैं, कब जजमेंट आएगा। पर हम आपको बता दें कि आज भी माननीय न्यायाधीश नहीं बैठेंगे। आप देख सकते हैं 11/12/2020 की तारीख है और कोर्ट संख्या आपको दिखाई दे रही होगी बगल में। कोर्ट संख्या जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय किस नंबर कोर्ट में बैठते हैं, पर 20 के बाद सीधे 24 नंबर कोर्ट है। बीच के कोर्टों में कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा देख के लगता है कि अब सोमवार से पहले माननीय न्यायाधीश छुट्टी से वापस नहीं आएंगे, पर सोमवार को भी वापस आ जाएं ये देखने वाली बात होगी। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच कोई बड़ी सूचना आपको मिल सकेगी। माननीय न्यायाधीश के बेंच के ना बैठने के कारण सारा उथल पुथल है। अभ्यर्थियों में कई तरह के निराशा का भाव देखने को मिल रहा है। कई तरह के फ़ोन कॉल हमारे पास आ रहे हैं, पर अब सब कुछ जजमेंट रिजर्व होने के बाद माननीय न्यायाधीश के हाथ में, और माननीय न्यायाधीश के बैठने के बाद ही कोई बड़ा फैसला आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में पिछले दिनों लाठियों से पीटा गया सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को, आप देख सकते हैं जख्मों के निशान। और इस बड़े आंदोलन के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिले थे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से। जी हाँ, पिछले दिनों शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले बड़ा आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक से हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर रंजीत कुमार जी से। और आपको जानना चाहिए कि मुलाकात से पहले भारी गहमा गहमी हुई थी और मुख्यमंत्री आवास में अभ्यर्थियों को लाठी डंडों से पीटा भी गया था। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक थे और बड़ा आंदोलन हुआ था। और आंदोलन के बाद जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात हुई थी और हमने सभी गतिरोधों को बताया था, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पूरी तरह तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको वक्त देने की कोशिश करेंगे, साथ में 35,000 सीट और जोड़ने की बात कही गई थी, पर अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी और इसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में गया। आज इस बात पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक को हम समझाने में ये कामयाब हुए थे कि मौका मिलना चाहिए, तो पटना हाई कोर्ट में भी बड़े वकील और बड़े दलील के साथ आपका केस रखा गया है। घबराए नहीं, अखबार की बातों पर विश्वास ना करें, फाइनल जजमेंट पर विश्वास करें। और आशा है कि दिसंबर माह में जजमेंट अभ्यर्थियों के पक्ष में आ सकता है, इसलिए घबराए नहीं अभ्यर्थी अखबार की खबरों से। आगे हम बात करेंगे डाइट पीटीसी केस की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 23 नंबर पर आज लिस्टेड है केस। 23 नंबर मतलब सुनवाई पूरी तरह संभव है और आज बड़ी सुनवाई के बाद डाइट पीटीसी केस में कोई बड़ा फैसला अगर आता है या कोई बड़ा ओरल ऑर्डर जारी होता है तो बहाली प्रक्रिया में उथल पुथल संभव है। आप ये जाने कि पिछले दिनों 47 नंबर पर ये लिस्टेड था और धीरे धीरे ये अब 23 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। ऐसे में आज बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। इस केस के संबंध में हम बता दें कि केस के जो भी पटिशनर हैं या मुख्य पटिशनर हैं, केस को वो गुप्त रख रहे हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी आपको सोशल मीडिया पर नहीं दी जा रही है, पर शिक्षा सुधार रोजगार पूरी कोशिश कर रहा है कि इस केस के संबंध में सभी बारीक खबरें आप तक पहुँचे, क्योंकि शिक्षक बहाली में ये केस बहुत बड़ा उथल पुथल कर सकता है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल बहुत बड़ा सवाल है और अगर आप शिक्षा सुधार रोजगार के वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब आपको पता होगा। सवाल का सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को हमारी तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार के दिन इस संबंध में बड़ी घोषणा होगी कि किसको गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। आप अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आज का सवाल है, बिहार शिक्षक बहाली में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक मिलाकर कितनी सीटों पर शिक्षक बहाली की बात है जो अभी फंसी पड़ी है? पूरी कुल कितनी सीटें हैं? एसटेट, बीटेट, सीटेट मिलाकर कितनी सीटों पर बहाली होनी है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दें और जवाब में अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।